अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी मैं आ गई हूँ एक और वीडियो के साथ ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके। आज हम बनाएंगे नो बेक चॉकलेट केक, जो कि बड़ा झटपट और जल्दी से बनके रेडी हो जाता है। तो चले जी स्टार्ट करते हैं हम आज की रेसिपी। यहाँ पे मैंने 600 ग्राम बिस्किट ले लिए हैं। आप कोई भी टी बिस्किट यूज़ कर सकते हैं, डाइजेस्टिव हो, मैरी हो, कोई भी बिस्किट आप यूज़ कर सकते हैं। इनको हम जो है अब हाथ की मदद से तोड़ के एक बर्तन में डालते जाएंगे। आपने बिल्कुल क्रश नहीं करने, लेकिन बस छोटे छोटे पीसेज में हाथ की मदद से तोड़ तोड़ के डालते जाने हैं। सारे बिस्किट इसी तरह खोल के आपने खुले बर्तन में डालने हैं, ताकि जिसमें आप सारा मिक्सचर रेडी कर सकें। इतना खुला बर्तन आपका होना चाहिए। तो यहाँ पे सारे बिस्किट में तोड़ के आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने सारे बिस्किट जो हैं वो तोड़ के रेडी कर ली हैं। तो चलें जी अब स्टार्ट करते हैं अपना चॉकलेट सॉस रेडी करते हैं। यहाँ पे 4 कप मैंने फुल फैट मिल्क लिया है। आपने लेवल करके 4 कप ले लेने हैं। उसके बाद आपने जो है 1 कप इसमें शुगर का डाल देना है, और 1 कप ही मैं इसमें कोको पाउडर यूज़ कर रही हूँ। कोई भी ब्रांड का आप कोको पाउडर यूज़ कर सकते हैं। अब विस्क की मदद से हमने इसको चलाते जाना है, और मीडियम आंच पे आपने फ्लेम रखते हुए इसको पकाते जाना है। इतनी देर आपने इसको मिक्स करना है कि ये अच्छे से जो है कोको पाउडर जो है उसके सारे लम्प ख़त्म हो जाए और ये अच्छे से दूध के साथ मिक्स हो जाए। आपने विस्क छोड़ना नहीं है, नहीं तो नीचे लग जाएगा कोको पाउडर और सारा जो है वो नीचे लगने के बाद एक स्मेल कर जाएगा जलने की। अब थोड़ा सा वो नीम गरम हुआ है, तो मेरे पास अनसॉल्टेड बटर था 1 कप, मैंने वो डाल दिया। अगर आपके पास सॉल्टेड है तो आप वो भी इस रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। 1 कप अनसॉल्टेड बटर डाला है, और अब विस्क की मदद से हम इसको पकाते जाएंगे इतनी देर के लिए कि थोड़ी सी कंसिस्टेंसी जो है वो इसकी थिक हो जाए और ये अच्छे से पक के रेडी हो जाए। आप ये केक बनाना आपके लिए बहुत आसान है। जिनको बेकिंग में प्रॉब्लम होती है या जिनके घर में जो है वो ओवन नहीं है, तो बहुत ईजीली वो ये केक बना सकते हैं। अब मैंने 1/4 टीस्पून सॉल्ट है और 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस का डाला है। अगर आप सॉल्टेड बटर यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ पे सॉल्ट नहीं डालेंगे। ये देखें, यहाँ पे हमारा अच्छे से ये थिक हो चुका है। जितनी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए उतना में रेडी हो चुका है। अब मैं चूल्हे को बंद कर दूंगी और थोड़ी देर इसको हम छोड़ूंगी, ताकि जो इसकी बॉइलिंग है और थोड़ा सा हीट जो है वो थोड़ी सी इसकी निकल जाए। उसके बाद हम इसको यूज कर लेंगे। यहाँ पे देखें, ये बिस्किट्स जो हैं वो रेडी हैं। इनके ऊपर अब हमने चॉकलेट सॉस रेडी किया है वो इसके ऊपर हम डाल देंगे। सारा आपने अच्छे से बर्तन से जो है वो निकाल के डाल देना है, और जल्दी से आपने इसको मिक्सिंग करनी है। इस बीच में मैं इसमें 1 कप जो है वो क्रश आलमंड भी डाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप वॉलनट का यूज़ कर सकते हैं, या आपको कोई और ड्राई फ्रूट पसंद है आप डाल सकते हैं, टोटली ऑप्शनल है। मेरे पास आलमंड थे, 1 कप मैंने डाल दिए हैं, और इनको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने इसको एक केक टिन में जो है वो बटर पेपर लाइन कर लेना है, और उसमें इसमें आपने इस सारे मिक्सचर को डाल के सेट कर लेना है। सारा मिक्सचर मैं इसमें डालूँगी और स्पैचुला की मदद से मैं इसको लेवल करूँगी, और लेवल करने के बाद जो है मैं इसको फ्रिज में सेट होने छोड़ दूंगी। ये बहुत इजी केक है और झटपट केक है। आपके घर में कोई दावत है, कोई मेहमान आ रहे हैं, तो जल्दी आप मीठा ये बना सकते हैं। और चॉकलेट तो कोई बंदा कम ही कोई होगा जिसको ना पसंद हो, और स्पेशली बच्चे पागल होते हैं इस चॉकलेट केक के पीछे। तो आप इस तरह से बनाएं, ना आपका टाइम ज़्यादा लगेगा और ना आपको बेकिंग की टेंशन है, और ना ये टेंशन है कि आपके पास ओवन नहीं है तो कैसे केक बनाएं, पता नहीं वो सख्त ना बन जाए, सॉफ्ट बने ना बने। ये केक बिल्कुल सॉफ्ट, बहुत ज़बरदस्त सा बनेगा, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। मैंने अब ऊपर क्लिंग रैप लगा दिया है, और इसको मैं रेफ्रिजरेटर में 1 घंटे के लिए छोड़ दूँगी, ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। अब यहाँ पे हम चॉकलेट गनाश की तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए यहाँ पे मैंने फ्रेश क्रीम का यूज़ किया है। फ्रेश क्रीम मैंने ले ली है 150 ml, और इसको मैंने थोड़ा सा वार्म करने के लिए हल्की आंच पे रखा हुआ है। इतनी देर के लिए आपने कर लेना है कि ये लम्प जो है वो सारे ख़त्म हो जाएं इस क्रीम के, और उसके बाद इसमें हम डार्क चॉकलेट का यूज़ करेंगे। डार्क चॉकलेट जो है वो मैंने 200 ग्राम ली है, और वो मैं इसमें डाल दूँगी, और इसको अच्छे से हम मिक्स करते जाएँगे लो फ्लेम पर, कि हमारे जो चॉकलेट है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए और अच्छा सा गनाश हमारा रेडी हो जाए। ये चॉकलेट गनाश आप किसी भी जो है वो चॉकलेट केक या नॉर्मल जो भी केक में आप चॉकलेट गनाश यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल सेम रेसिपी से बनता है। क्रीम ज़रूरी नहीं है कि आप व्हिपिंग क्रीम ही यूज़ करें, आप फ्रेश क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं। जो पैकेट क्रीम्स आती हैं फुल फैट क्रीम, आप वो यूज़ कर सकते हैं।
और व्हिपिंग क्रीम है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें चॉकलेट हमारी अच्छे से मेल्ट हो गई है, हमारा गिनाश जो है वो अच्छे से रेडी हो चुका है। तो अब फ्लेम को हम कर देंगे बंद और इसको हम जल्दी से पोर करेंगे अपने केक के ऊपर। तो देखें केक हमारा अच्छे से ठंडा होकर सेट हुआ हुआ है। अब इसके ऊपर मैं चॉकलेट गिनाश डाल दूंगी और इसको भी स्पैचुला की मदद से मैं अच्छे से सेट कर दूंगी। आपने सारी तरफ जो है वो लेवल करके इसको फैला देना है अच्छे तरीके से। ये देखें मैंने अच्छे तरीके से इसको फैला दिया है, इससे जो है बड़ा मज़े का टेस्ट जो है इसका और ज़बरदस्त हो जाएगा हमारे चॉकलेट केक का। देखिए मैंने इसको लेवल कर दिया है, इसको क्लिंग रैप रख के मैं 2 से 3 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख दूंगी ताकि ये अच्छे से चिल होके अच्छे से ठंडा हो जाए। तो चलें जी मिलते हैं आपको 2 से 3 घंटे बाद। ये देखें 2-3 घंटे बाद हमारा जो केक है वो अच्छे से जो है वो सेट हो चुका है। छुरी की मदद से आपने पैन से निकालने से पहले सारे किनारे छुड़ा लेने हैं अच्छे से ताकि जो है वो इजीली हमारा केक जो है वो मोल्ड से बाहर आ सके। उसके बाद मैं अपना केक टिन जो है वो खोल लूँगी और इसको एक प्लेट में मैं निकाल दूँगी। ये देखें मैंने खोल लिया है, फिर एक दफ़ा मैं छुरी अच्छे से घुमा लूँगी ताकि सारी साइड्स जो हैं वो अच्छे से छूट जाएं और हमारा टिन आराम से निकल जाए। तो ये देखें हमारा टिन जो है वो आराम से निकल गया है और देखें ज़बरदस्त सा हमारा चॉकलेट केक सेट होकर रेडी हो चुका है। थोड़ा सा हम इसको डेकोरेट करेंगे, डेकोरेट जो है वो बिल्कुल ऑप्शनल है, डेकोरेशन आप अपनी मर्ज़ी से जैसे चाहें कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने वाइट चॉकलेट थोड़ी सी मेल्ट करके पाइपिंग बैग में डाल दी है, थोड़ी सी मैं उससे ऊपर लाइनिंग डाल रही हूँ। तो आप अपनी मर्ज़ी से जैसे चाहें आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं, नहीं करना तो आप अपनी मर्ज़ी से इसी तरह इसको एज इट इज़ भी खा सकते हैं। तो मैंने थोड़े से स्क्वेयर्स बना दिए हैं जो कि थोड़े आड़े टेढ़े बने थे, लेकिन इट्स ओके, आप जो है अपनी मर्ज़ी से इस पर बना सकते हैं। मेरे पास कुछ जो है वो चॉको बॉल्स थे वो मैंने कॉर्नर्स पर रख के इसकी डेकोरेशन कर दी है जो कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ज़बरदस्त लग रहे थे। देखिए सेंटर में भी एक छोटा सर्कल मैंने बना दिया है। उसके बाद थोड़ा सा कलर ऐड करने के लिए मेरे पास फ्रेश स्ट्रॉबेरीज पड़ी हुई थी, वो कट करके मैंने इस पर डाल दी है। वैसे चॉकलेट और स्ट्रॉबेरीज का कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त जाता है, कभी आप भी ट्राई कीजिएगा। तो ये देखें हमारा ज़बरदस्त सा नो बेक चॉकलेट केक का फाइनल लुक, कितनी देखें ईजिली बन जाता है और इतना ज़बरदस्त टेस्ट देगा कि आपकी सोच है। तो चलें जी आप स्लाइस कट कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि कितना ज़बरदस्त सा ये सेट हुआ है और कितना सॉफ्ट और क्रीमी और ज़बरदस्त सा ये बना हुआ है। तो ये देखें ये है, मैं इसको कट कर रही हूँ तो ज़बरदस्त सा एक स्लाइस निकलेगा और आपके भी मुंह में अगर पानी आ रहा है तो जल्द अज जल्द आप भी जाएं और बनाएं। ये सारे इंग्रेडिएंट्स घर में मौजूद होते हैं हर किसी के पास, तो झटपट से ये रेडी हो जाएगा। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त सा ये स्लाइस हमारा निकला है, ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है। अंदर जो बिस्किट और ऑलमंड्स का क्रंच होगा बहुत ही क्रीमी और चॉकलेटी, जो लोग चॉकलेट के फ़ैन हैं ना उनके लिए तो ये बेस्ट केक है। आप ये केक बनाएं आप बेकिंग वाला केक तो छोड़ ही देंगे। ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत ही सॉफ्ट और ज़बरदस्त सा बनाया है। ये देखें चम्मच की मदद से मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ कितना सॉफ्ट है। तो चलें जी बच्चों को कराते हैं ट्राई और देखते हैं उनको कैसा लगा। So chocolatey, I like it, it's so yummy. I want more. I did. So good. Mom, I told you yummy. Yummy, yummy, my tummy. You want more? Yes. Go, eat it. Thank you. अच्छा तो वैसे ही चॉकलेट के फ़ैन होते हैं तो उन्होंने तो खूब किया ये चॉकलेट केक इन्जॉय। तो आई होप आपको भी पसंद आई होगी। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।